स्वागत है आपका उज्जवल भारत समाचार में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ खुशबू। आइए डालते हैं अब तक की टॉप 10 खबरों पर एक नजर। चौबीस जून 2022 की टॉप 10 खबरें। द्रौपदी मुर्मू ने किया राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन। पीएम नरेंद्र मोदी बने प्रस्तावक। बीजेडी और वाईएसआर नेता भी पहुंचे। द्रौपदी मुर्मू ने सोनिया गांधी, शरद पवार और ममता बनर्जी से की बात, मांगा राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन। भाजपा सांसद वरुण गांधी का ऐलान, कहा मैं पेंशन छोड़ने को तैयार, अगर अग्निवीर हकदार नहीं तो जन प्रतिनिधियों को ये सहूलियत क्यों। गुवाहाटी के होटलों में विधायक पर पानी की तरह बहाया जा रहा है पैसा, रहने और खाने पर अभी तक करोड़ों खर्च। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक घमासान के बीच भी किसी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए मुंबई पुलिस ने शिवसेना मुख्यालय एवं मातोश्री की सुरक्षा बढ़ाई। इनके बाद बोले राउत, बागियों से नहीं करेंगे बात, फ्लोर टेस्ट में जीतेंगे, लड़ाई सड़क पर हुई तो वहां भी जीतेंगे। एक सर्वे में सामने आया कि लोगों ने महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के लिए भाजपा की सत्ता हथियाने की कोशिश को जिम्मेदार ठहराया। शिवसेना आलाकमान से जुड़े नेताओं ने आसाम के विधायकों को मुंबई आने पर देख लेने की चेतावनी भी जारी की है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में ऐसे ही हालात रहे तो कानून व्यवस्था का भी संकट खड़ा हो सकता है। IAF ने अग्निपथ भर्ती योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की। 24 जुलाई को होगी ऑनलाइन परीक्षा। भारत में कोरोना के मामलों में वृद्धि जारी। पिछले 24 घंटे में देश में 17,336 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में कल के मुकाबले नए केसों में करीब 30% का उछाल है। अभी तक के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे नए टॉप 10 खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।